हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो रहेगा, जो नया मशीन में दूसरा मशीन में हम आज आए हैं, तो इसका कंडीशन और भी ख़राब है, तो दिखाना चाहेंगे। राउंड बाहर का हिस्सा दिखा रहे हैं, उसके बाद अंदर में जाएंगे। इसका भी कंक्रीट प्रॉब्लम है, लीकेजिंग प्रॉब्लम है, वाटर लीकेजिंग है एंड हाइड्रोलिक ऑल्सो लीकेजिंग। यहाँ पे भी आ रहा है हाइड्रोलिक, देखिए यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ से रिटर्निंग कमिंग फ्रॉम रिटर्निंग पाइप, वहाँ से आ रहा है, देख सकते हैं। वीडियो पूरा भीगा हुआ है, तो उस काफ़ी सब अभी रिपेयरिंग करना बाकी है, सर्विसिंग में ले जाना इधर भी शायद। अच्छा, यहाँ से भी लीकेजिंग हो रहा है, इसको शायद टाइट कर देने से हो जाएगा, नट बोल्ट क्लम्प। बाकी सब यहाँ भी भीगा हुआ है, लगता है वहीं से आ रहा है जी भी। अच्छा, बाकी सब प्रॉब्लम बाहर का जो है इसका गंदा है मशीन थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन काफ़ी जगह से है, देखिए रिटर्निंग पाइप कितना से पूरा भीगा हुआ है, और पूरा एकदम पंप से भी लगता लीकेज है हल्का। लगता ये भी डीजल टैंक भी लीकेजिंग कर रहा है क्या? डीजल टैंक भी लीकेज है, इसको भी लगता है खोल के इसको भी पैकिंग देना होगा। उसके बाद पानी भी लीकेजिंग कर रहा है वहाँ से, गिर गया। अभी जो है इसका अंदर जाएंगे, ड्राम का कंक्रीट देखेंगे कितना है, और ड्राम के अंदर में आ चुके हैं, देख सकते हैं कितना इधर जो माल है मतलब निकलता नहीं है, इतना जाम हो गया है। रैंप में चलाने के बाद भी जो निकला नहीं है, आपको दिखा दें, जैसे कि ये प्लेट जो है इसको भी लगता है ये भी छेद हो गया है, और मतलब यहाँ पर जो देख सकते हैं इसको वेल्डिंग कराने की ज़रूरत है, नहीं तो प्लेट भी पूरा निकल जाएगा। जो गार्ड जो दिया गया है गियर बॉक्स में बाहर तरफ, देख सकते हैं कितना कंक्रीट लगा हुआ है, और काफ़ी इसीलिए जो माल निकलता नहीं है शाम के टाइम में, जो निकलता है उसमें रैंप में चढ़ा के करना पड़ता है, पूरा काफ़ी लगा हुआ है देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ निकल के। ये जो देख रहे हैं अब यहाँ पे निशान जो लगा हुआ मतलब रंग छूट गया है वेल्डिंग, तो काफ़ी वजह से इसका जो रीज़न है छूटने का, जो अंदर में जो माल लगा हुआ कंक्रीट सेट है उसके वजह से जो राम जो अप डाउन घूमता है उसके वजह से फट गया है, तो वेल्डिंग कराना इसको भी बाकी है। बहुत जगह है पूरा निकलता है कंक्रीट बाहर तरफ, जब थोड़ा माल लूज हो जाता है पानी हो जाता है। सो थैंक यू।